जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़रियाब, आप देख रहे हैं कोटला फूड एंड ब्लॉग्स। और गुजरात में मौजूद हूँ मर्दान चपली कबाब पॉइंट पे, और यहाँ पे चपली कबाब बेहतरीन किस्म के बनाए जाते हैं। तो मैंने बोला क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। मौसम काफ़ी जो है ना वो ज़बरदस्त हो चुका है, बारिश हो रही है। जैसे ही हम जलालपुर जटा से निकले थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी सूखे गाँव पहुँचने तक। और हमने यहाँ पर आगे पहले आलू वाले पराठे खाए हैं, उसका नाश्ता किया है। तो अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका है और अभी हम चपली कबाब खाने आए हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त दुकान है, काफ़ी टेस्टी होते हैं इनके चपली कबाब। तो आपको आज यहाँ का विज़िट कराएंगे और बताएंगे कैसे हैं और कैसे बना रहे हैं ये। ये देख सकते हैं आप मर्दान चपली कबाब, ये शॉप है इनकी। यहाँ पे इन्होंने लेग पीस फ्राई किए हुए हैं, लेग पीस फ्राई भी देते हैं, और ये मुंडियाँ फ्राई की हुई हैं, और ये चपली कबाब हैं, और ये भाई अभी लेग पीस और मज़ीद फ्राई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और शॉप की लोकेशन जो है ये गुलजारे मदीना रोड है, यहाँ पे है। और पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, पानी पानी हर तरफ, हमारे कपड़े वगैरह भीग चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो अभी हम आपको यहाँ की वीडियो बना के दिखाते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये भाई बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये वो कुछ प्राइस लिस्ट लगी हुई है, चपली कबाब जो है मेरे ख्याल से 70 रुपये का है, और गर्दन जो है वो 30 रुपये की है, मुंडी जिसे कहते हैं मुंडी। और अभी हम आपको मज़ीद अंदर ले कर चलते हैं और जा कर दिखाते हैं। ये इसी तरह से रेडी किए जा रहे हैं, काफ़ी कस्टमर हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं, और ये इन्होंने फ्राई पीस जो हैं लेग पीस वो रेडी किए हैं। जैसे जैसे कस्टमर आते जाएंगे इसको ज़रा फुल फ्राई करके तैयार करके वो फिर सर्व करते जाएंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, ये सारा इनका सिटिंग एरिया। यहाँ पे ये बनाए जा रहे हैं, फ्राई किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर चपली कबाब के लिए कीमा रेडी करके रखा हुआ है भाई ने, और यहाँ पे ये लेग पीस और ये चपली कबाब रेडी कर रहे हैं भाई अभी। ये आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर आया तो ये ऑर्डर पे जो है ना वो रेडी करके तो अभी पार्सल करेंगे, उसके लिए इन्होंने बनाए हैं। जी दोस्तों, ये भाई शॉप के ओनर हैं यहाँ पे मर्दान चपली कबाब के। तो इनसे जानेंगे कि कितना अर्सा हो चुका है इनको यहाँ पर शॉप बनाए हुए, और किस टाइम खोलते हैं, किस टाइम बंद करते हैं, और कितनी कर मतलब तकरीबन सेल आउट होती है, कस्टमर का क्या रिस्पांस है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम, मेरा नाम है रहमतुल्ला, मेरा शॉप का मर्दान चपली कबाब नाम है, और मेरा तकरीबन 3 साल हो गए दुकान खुला हुआ। सुबह 10 बजे से ले कर रात को 10 बजे तक खुली है आपकी शॉप, और काम अच्छा है। नहीं, हमारा काम माशाल्लाह अच्छा है, सबसे अच्छा काम है। एक हमारा दुकान दूसरा भी है मर्दान चपल के बाद मास्टर बेकरी के साथ है। हाँ जी, एक ये दूसरा ब्रांच है। चिकन के लेग पीस है, चपल कबाब है, सीने के पीस है, और बस ये 3 सिस्टम है। बस मेरे पास असल कोई बंदा नहीं है दुकान खोलने वास्ते, वरना खोल देगा उधर भी खोल देगा। हाँ जी, खोलेगा एक बंदा आ जाएगा, बंदा मिल जाएगा, खोलेगा गांव से कोई बंदा बंदा आएगा खोलेगा इंशाल्लाह, उधर भी खोलेगा। तो ये हमारे चपली कबाब यहाँ पे आ चुके हैं, और दोस्त मेरे को और मुझे भूख ज़्यादा लगी हुई थी बारिश की वजह से, ठंड बहुत ज़्यादा ना, तो इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। तो अभी दोस्त से जानेंगे कि ज़रा रिव्यू दें कैसे लगे इनको यहाँ के चपली कबाब, मज़ा आया या नहीं आया। अरे आप पुत्र पूछने की गल है, उन बड़ा मज़ा आ गया, तेन अगे पता मैं यही कहना होता है। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।